सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। एंड चलिए आज हम आप लोगों को सुनाएंगे दास्तान इश्क। दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी जैस रहती है वो हंसैनीफर से पहले ही दिल्ली चली जाती है और सैनीफर जो है यहाँ पे रह जाती है। तो उसके बाद जो जेनिफर रहती है वो भी इनका टाइम हो जाता है निकलने का, तो ये तो अपने प्राइवेट जेट पे जाते हैं, लेकिन सैस जो है सभी एक ही डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो इस चक्कर में जो जैस रहती है वो जेनिफर को कॉल करने भूल जाती है कि मैं फ्लाइट में बैठ गई हूँ तो कॉल मत करना। दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो जैस का फिक्र कर रही होती है कि निकल गई अभी तक कॉल क्यों नहीं आया, उसका कॉल का वेट कर रही होती है क्योंकि इन दोनों के बीच भी मतलब इनके फ्रेंडों के बीच भी बात हुआ था कि जो इनके ग्रुप मेंबर रहते हैं कि हम निकलने वाले हैं, तो टिया विया जो जितने भी लोग हैं ये सभी जो है रेडी हो जाते हैं। ऑब्वियसली जो अरमान रहता है वो भी रेडी हो जाता है, जो हीरो रहता है वो एटीट्यूड उस, तो इस चक्कर में जो ऐना रहती है उसकी तरफ जेनिफर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि ऐना की क्या हालत है। ऐना जो है गुस्से में बहुत आग बबूला थी, लेकिन अपने दिल के सामने अपने गुस्से को दबा के रखती है। सभी यहाँ से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। इधर दूसरी तरफ जो सोफिया थी हमारी उस कारखाने वाली आंटी की फ्रेंड, वो जो है किसी पे नज़र रख रही होती है। और जो है जैस एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि जेनिफर के पास उसे कॉल करना था, लेकिन वो जेनिफर के पास कॉल करना भूल जाती है। तो वो अपने सर पे हाथ मारती हुई बोलती है इतनी बड़ी गलती अब वो मुझे कैसे माफ़ करेंगी, अपनी तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं खुद को कैसे माफ़ करूँ ये मुझे भी पता नहीं, ऐसे बोल के अपने सर पे हाथ रखी रही होती है। तो तभी अवंतिका जो है जैस को देखती है और बोलती है क्या हुआ मैम आपको। तो जेनिफर की बात को जो है लेती हुए बोलती है जेनिफर को कॉल, तो ऐसे वो बोलती है तो जो अवंतिका रहती है वो बोलती है क्या कौन जेनिफर वो फिल्म स्टार, ऐसे जो है अवंतिका पूछती है थोड़ा सा चौंकते हुए। तो जो जैस रहती है बोलती है नहीं नहीं वो नहीं वो एक्चुअली, तो बोलते हैं हाँ कौन सनीफर, तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं छोड़िए, तो बोलते हैं ओके मैम, ऐसे बोल के जो अवंतिका रहती है वो उनकी तरफ देखी जा रही होती है। और जैस जो है अपने ख्यालों में खोलते अपने बैग को लेते हुए सीधा एयरपोर्ट से बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ जो अवंतिका रहती है वो भी उसके पीछे पीछे आती है। और इसी तरफ जो रोहन रहता है वो भी थोड़ा शर्मिंदा रहता है, लेकिन सारे उनके ग्रुप वाले ने उसे माफ़ कर दिया रहता है। तो उसके साथ जितने भी उनकी टीम के लोग रहते हैं वो सभी उनके साथ अच्छे से रह रहे होते हैं, अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से उन बात भी करते हैं। जो पहले बात करने में जो पुराने वाले एयरफोर्स लीडर जो रहते हैं बात उतना नहीं करते थे, लेकिन अब वो भी उससे अच्छे से बात करने लगते हैं क्योंकि जैस ने उसे माफ़ कर दिया, तो उनके फ्रेंड लोग उसे माफ़ ही करेंगे ही ना, ऐसा रहता है। तो उसके बाद जो ये सभी रहते हैं वहाँ से निकल जाते हैं, सभी जो है एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं। और इधर जो जैस रहती है वो अपने मैम से बात करती है, बोलती है मैम एक कॉल करना है प्लीज़ मुझे करने दीजिए, ऐसे बोल के वो अपनी मैम से बात करती है। तो वो बोलती है क्यों किसके पास कॉल करना है आपको। तो जो जैस रहती है वो अपना सर के पीछे अपना हाथ रख कर वो बोलती है एक्चुअली, तो जो उसकी मैम रहती है वो समझ जाती है कि जेनिफर से बात करना चाहती है, तो वो बोलती है ठीक है चली जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोल के जो जैस रहती है ऐसे ही सुनते हुए जो जैस रहती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, वो बोलती है ठीक है थैंक यू सो मच मैम, ऐसे बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। तो ये जो हमारी जैस रहती है वो सीधा चली जाती है वॉशरूम की तरफ और उस तरफ कॉल करते हुए जेनिफर को जो है बेपनाह वेट करते हुए वो कॉल करती है, लेकिन उसे क्या पता कि इधर जेनिफर उसका कॉल पिक करेगी कि नहीं। दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो भी फ्लाइट में थी, जिसकी वजह से उसका मोबाइल जो है साइलेंट में था, क्योंकि आप लोगों को पता है जब फ्लाइट में कोई बेचता है तो उसे स्ट्रिक्टली वो ऑर्डर दिया जाता है कि फ़्लाइट में कोई भी अपना मोबाइल यूज़ ना करे ना नेट का यूज़ ना करे, ऐसे बोला जाता है। तो जैस भी
जैस का कॉल, जब जेनिफर के जैस जाता है तो जेनिफर का मोबाइल तो बज नहीं रहा होता है, ऊपर से उसका मोबाइल नॉट रिचेबल आता है, सो इस वजह से कॉल भी नहीं जाता, ना जेनिफर को पता चलता है ना जैस को पता चलता है। तो थोड़ा जैस जो है थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि आखिर ये मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही है, इनका मोबाइल ऐसा बंद क्यों बता रहा है, ऐसे बोल के वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तभी जो उसकी मैम रहती है वो पीछे से बोलती है, क्या हुआ, बात हो गया? तो जो जैस रहती है वो अपना सर नीचे करते हुए बोलती है, नो मैम। तो जो उसकी मैम रहती है बोलती है, क्या लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच? तो जैस बोलते हैं, नहीं एक्चुअली मैं ना जब फ्लाइट बैठी थी तो कॉल करना भूल गई थी, तो इस वजह से शायद हो सकता है। तो बोलते हैं, क्या? तो बोलते हैं, हाँ। तो बोलते हैं, इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दिया? तो बोलते हैं, हाँ थोड़ा जल्दबाजी में। तो बोलते हैं, अच्छा कोई ना। दूर से कोई इन दोनों की बातों पे ऑब्जर्व कर रहा था, गौर से देख रहा होता है जी, वो कोई कौन है ये तो आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो ये दोनों जो हैं वहाँ से सीधा बाहर की ओर आते हैं, जहाँ पर इनकी टीम थी। वो जो इन दोनों पे इतना ज़्यादा गौर से देख रहा था, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, ये और कोई नहीं अवंतिका थी। अवंतिका जो है जैस के पीछे पीछे जो है जा रही होती है, तो वो इसी बीच उसे बहुत गौर से देख रही होती है कि इन दोनों के बीच बात क्या हो रहा है। क्योंकि जो इस तरह जैस ने मैम से बोला था कि मैम मुझे एक्चुअली कुछ काम है, मुझे बात करनी है आपसे, ऐसे वो बोलती है, तो थोड़ा सा जैस जो है, मतलब जो अवंतिका रहती है, वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, आखिर किससे बात करना है जो इस तरह वो बोली है। ऐसे बोल के ये भी इन दोनों के पीछे करने लगती है। तो वो देखती है कि ये दोनों जो है वहाँ पे मिलते हैं वॉशरूम के पास, तो थोड़ा सा उससे इन दोनों के पास शक होता है। थोड़ा सा जो अवंतिका रहती है उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जो अवंतिका रहती है वो ऐसे सोचते हुए उनकी तरफ गौर से देख रही होती है, और इन सबसे बेखबर हमारी जैस जो है मोबाइल की तरफ गौर से देख रही होती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। इसके लिए तो आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा, स्टोरी के इस पार्टों को सुनना पड़ेगा। जो जैस रहती है अपने मोबाइल की तरफ गौर से देखती है और सोचती है कि जेनिफर आप कहाँ हो, कब आओगी आप, ऐसे बोल के वो सोच रही होती है, बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है और वो खुद भी कॉल कर रही होती है। दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है फ्लाइट में रहती है, वो उसका भी मन कर रहा था कब वो दिल्ली पहुँचे और कब वो जैस के पास कॉल करे, ये वो सोच रही होती है। और इधर जो जैस रहती है वो अपने मैम से बोलती है, मैम क्या मैं अपने घर चली जाऊँ? तो जो उसकी मैम रहती है वो बोलते हैं, लेकिन तो बोलते हैं प्लीज़ ना मैम, क्योंकि अभी तो टाइम है ना। तो बोलते हैं, सो तो है लेकिन, तो बोलते हैं प्लीज़। तो उसकी मैम भी हाँ बोल देती है, उससे ज़्यादा तो कुछ बोलती नहीं है। तो जो जैस रहती है वो सीधा चली जाती है अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो फ्लाइट में रहती है, जैस अपनी गाड़ी से सीधा जो ये रहता है टैक्सी लेते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी मैडम लोग थी, यहाँ थानिया और रीचा जो है, जैस उसी फ्लैट में रहती हैं और ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं आखिरकार जैस कब आएगी। तो जो रीचा रहती है वो बोलती है, ट्रेनिंग तो फिनिश हो गया है, आज या कल तक वो आ जाएंगी। तो ऐसे जो है रीचा बोल रही होती है। तो तो जो तानिया रहती है बोलती है, ओ अच्छा, ऐसे बोल के दोनों जो है आराम से कॉफ़ी पी रही होती हैं। तभी इनके जो है गेट पे नॉक होता है, जो है बेल बजने लगती है। तो जो रीचा रहती है वो बोलती है, कौन आया है इस वक्त? तो जो तानिया रहती है बोलते हैं, मुझे क्या पता, मुझसे पहले आप यहाँ पे रहती थी ना? तो बोलते हैं, हाँ रहती थी लेकिन इस वक्त कोई नहीं आता था। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं जाकर चेक करती हूँ। ऐसे बोल के जो रीचा रहती है अपने कॉफ़ी को साइड रखते हुए उठ जाती है वहाँ से और डोर की तरफ आगे बढ़ जाती है। रीचा जब डोर को ओपन करती है तो थोड़ा सामने के नज़ारे को देख कर चौंक हो जाती है। तो बोलते हैं, आप आज यहाँ? तो बोलते हैं, हाय। तो बोलते हैं, हाय, तो आप लोगों ने मेरे यहाँ ना होते हुए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शैतानी तो नहीं किया, पार्टी वाली तो नहीं किया? ऐसे जो है
जैस बोलती है स्माइल करती हुई, तो रिचा हंसते बोलती है हमारी ये मजाल कहाँ कि आपके होते हुए पार्टी करें और ना होते हुए भी पार्टी करें, ऐसे तो हो नहीं सकता। आपका वही रूल एंड रेगुलेशन अभी चल रहा है, हम अभी भी आपके जो रूल है उसी पे चल रहे हैं, किसी को भी इस रूम में नहीं बुलाया है, ना आपके इस फ्लैट में गंदगी वगैरह कुछ नहीं है, डोंट वरी। तो जो जैस रहते हो स्माइल करते हो बोलती हूँ मुझे पता है तुम दोनों पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, ये तो मुझे बख भी पता है। तो ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो स्माइल करती है, तो जो जैस रहती है सॉरी रिचा रहती है वो जैस की तरफ देख रही होती है, तो जैस बोलते हैं मिस रिचा मैम अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्या घर में घुसूँ रूम में घुसूँ या फ्रेश हो जाऊँ। तो जो रिचा रहती है वो स्माइल करते हुए बोलती है हाँ आइए ना मैंने आपको पकड़ा कहाँ है, तो बोलती है हाँ पकड़ा नहीं है लेकिन जो गेट है उसके सामने आप ही खड़ी हो दरवाजे के बीच में, तो मैं कैसे निकलूँ। ऐसे जो है जैस बोलती है, तो रिचा बोलती है हाँ सॉरी, ऐसे बोलते हुए वो जो है उस साइड दे देती है, तो जो जैस रहती है वो अंदर घुस जाती है, और जैस जैसे ही अंदर घुस जाती है तो तानिया उसे देखकर हैरान हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है और उसकी फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो जो है भागते हुए जैस के पास जाती है, बोलती है वाओ यू कम बैक आखिरकार आप आ गई, ऐसे बोल के चूही रहती है जैस को हक कर देती है तानिया। तो जो जैस रहती है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है कि इसे हुआ क्या है, तो बोलते हैं हाँ मैं आ गई लेकिन आपको हुआ क्या है मैडम। तो जो ये रहती है हमारी रिचा वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है, जो तानिया रहती है वो जब जैस को हक करती है तो रिचा भी उसे थोड़ा सा घूर के देख रही होती है, उसका फेस भी थोड़ा सा उतर जाता है। रिचा मन ही मन सोचने लगती है मैं इसे हक नहीं कर पाई और इसको देखो इसने उसे हक किया, ऐसे बोल के जो रिचा रहती है वो जैस और तानिया को घूर घूर के देख रही होती है। तो जैस वो उसे दूर करते हुए बोलती है हाँ मैं आ गई लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तो बोलते हैं मुझे क्या होगा मैं तो खुश हूँ ना आप आ गए, तो बोलते हैं हाँ खुश तो हो बट इतना ज़्यादा, तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं हो सकती क्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन, तो बोलते लेकिन क्या, तो बोलते नथिंग कुछ नहीं, ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो थोड़ा सा थाने से दूर होती है और बोलती है मुझे लगा था कि घर की तबाही मची होगी, पूरा मेरा फ्लैट को गंदगी करके रखी होगी लेकिन मेरे फ्लैट को तो अच्छे से रखा है आप दोनों, ऐसे बोल के जैस जो है एक शैतानी स्माइल देते हुए बोलती है। तो रिचा जो है उसकी तरफ घूर के देखती है, मन ही मन सोचने लगती हाँ ऐसे बोलते हो जैसे मैं तुम्हारी कभी बात टालती हूँ, आप भी तो आप ही की रूल रेगुलेशन में चलती हूँ, ऐसे वो मन ही मन सोच रही होती है। तो जैस को थोड़ा सा जो वे रहती है क्या बोलते हैं रिचा की तरफ देखती है, बोलते हैं हाँ आई नो मुझे पता है कि आप मेरे रूल एंड रेगुलेशन को कभी नहीं तोड़ोगे, तो इतना तो मुझे पता है। तो ऐसे वो बोलती है, तो थोड़ा सा जो रिचा रहती है थोड़ा हैरान हो जाती है, बोलती है यार इसको कैसे पता चला मैं क्या बोलती हूँ, क्या ये ज्योतिषी है ये मन वन को पढ़ने जानती है, ऐसे बोल के वो जैस की तरफ घूर घूर के देखने लगती है। तो जो जैस रहती है वो बोलती है नहीं मैं कोई ज्योतिषी वोतसी तो नहीं हूँ बट किसी के मन को पढ़ना मुझे अच्छे से आता है, उसके दिमाग में क्या चलता है ये पढ़ने आता है, उसका साइकोलॉजी क्या कहता है ये समझ में आता है मैडम, तो आप जो सोचो कि आई थिंक मुझे थोड़ा सा बहुत तो पता चल जाएगा कि आप सोच क्या रही हो। तो जो ये रहती है रिचा उसकी तरफ घूर के देख रही होती है, उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं और उसे कुछ बोलते हैं ना कातिलाना नज़रों से देख रही होती है। तो जैस बोलती है हाय ऐसे कातिलाना नज़रों से मत देखिए मैडम, अगर मैं कोई लड़का रहता ना तो फिसल जाता आपकी इस कातिलाना नज़रों से। जब ये बात जैस रिचा को बोलती है तो थोड़ा सा तानिया को जेलिस फील होती है, वो जो है इन दोनों की तरफ देखती है और थोड़ा जेलिस फील करते हुए बोलते हैं यही तो प्रॉब्लम है कि आप कोई लड़के नहीं हो, ऐसे बोल के जो ही रहती है तानिया वो दूसरी तरफ फेस कर देती है। लेकिन इस बात को जैस और रिचा अच्छे से बखूबी तरीके से सुन लेती हैं, रिचा जो है जैस की तरफ देखती है और जैस जो है रिचा की तरफ देखती है, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से अपने नज़रें हटाकर वो दोनों तानिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं अच्छा तो आपको मैं लड़का रहता तो किसका क्या मतलब है, अगर मैं लड़का रहता तो
तो जब ये चीज़ रिचा सॉरी जैसे से जब तानिया को बोलती है तो तानिया बोलती है क्या तुम लड़का रहो लड़की रहो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हो तो एक इंसान ना। तो बोलते हाँ मैं इंसान हूँ बट अभी तो आपने कहा ना कि अगर तुम लड़के रहते तो। तो बोलते हाँ बस ऐसी मजाक में बोल दिया। ऐसे बोल के जो तानिया रहती है अपने सर के पीछे अपना हाथ रखते हुए बोलते पागल लड़की अभी क्या क्या बोल रही हो खुद को पता नहीं है और कुछ भी बोली जा रही हो। ऐसे जो है तानिया खुद को बोल रही होती है। और दूसरी तरफ जो जैस रहती है सॉरी जेनिफर रहती है वो उसका फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो जाता है। जब वहाँ से वो टेक ऑफ हो जाता है तो ये दोनों जो है फ्लाइट से उतरने के बाद सीधा अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। एना और जेनिफर इस बीच एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं। एना अपनी प्रॉब्लम में जो है घुसी थी और जेनिफर ये जैस की यादों में घुसी थी। जैस को इतना भी पता नहीं था कि जेनिफर को इतना भी पता नहीं था कि एना के दिमाग में चल क्या रहा है। और ये दोनों एक दूसरे से बात बिना कि सीधा ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो जेनिफर रहती है अपने रूम की तरफ चली जाती है और जो एना रहती है ये भी अपने रूम की तरफ चली जाती है। और दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो अपने रूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है ये भी अपने मोबाइल की तरफ बिल्कुल नहीं देखती। सो हे एवरीवन देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होगा। ये सब जानने के लिए आपको इस स्टोरी में आगे रहना पड़ेगा और इस स्टोरी को सुनना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी में आगे क्या होगा। जैस के अपने आने वाले खतरे को पहचान पाएगी और जेनिफर और जैस के बीच बात होगा। क्या एना की एक गलती की वजह से जेनिफर और जैस की लाइफ में कोई नया प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों इतना कहकर अपने इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं चली जाती हूँ और देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। चलो ओके देन थैंक सो मच बाय।